वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज है नवरात्रा का तीसरा डे, माता शैलपुत्री की पूजा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आज मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, और प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मैं अभी स्नान कर चुकी हूँ, अब मैं पूजा करने बैठने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ वीडियो शेयर कर लूं कि आज का दिन मेरा पूरा कैसा होने वाला है और मैं आज क्या क्या करने वाली हूं, तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी। तो आप देख सकते हो कि यहां पे बिल्कुल मेरी मम्मी ने पूजा कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूं कि मम्मा ने पूजा कर लिया है और भगवान जी को सब कुछ भोग वोग लग चुका है, बिल्कुल रेडी हैं भगवान जी हमारे। तो दुर्गा पूजा में 10 दिन नवरात्रा में मेरी मम्मी फास्ट करती हैं, तो मैं हूँ यहीं पर अभी अपने घर पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मम्मी अब आरती कर रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रियांश भी बैठा हुआ है, ये बिल्कुल भी मम्मी को छोड़ता नहीं है, तो ये यहाँ पे बैठ करके सारा शैतानी करने में लगा हुआ है। अभी तक ये नहीं नहाया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं हमारे। तो अब मैं तो देखिए मम्मी ने पूजा वूजा कर लिया है, यहाँ पे जाने वाली थी तो थोड़ा सा ऑयल लगा, ये हमारे बाल गोपाल भी इसी में है, आप देख सकते हो बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसे मैं नहा के ले आई हूँ, तो अब ये यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहा है। अब इसे मैं पाउडर लगा रही हूँ, पाउडर लगा के इसे मैं नए कपड़े पहना रही थी, क्योंकि इसके 10 डेज़ के 10 कपड़े हुए हैं, तो मैं सोचा चलो इसे न्यू ही पहना देते हैं डेली। तो यहाँ पे ये नया कपड़ा पहन के बिल्कुल तैयार हो रहा है, तो मैं इसे अब काजल लगाने वाली हूँ। सोचा चलो इसे काजल भी थोड़ा लगा देती हूँ, सही रहता है। तो इसे मैं काजल लगा रही हूँ, बस ये मेरे हाथों से इस तरह से पाउडर लेकर के खुद ही लगाने के लिए रेडी हो गया था, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने इसे काजल, ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ जहाँ पे हम लोगों का प्रतिमा बन माने दुर्गा पंडाल है, मंडप है, वहाँ मैं आपको ले चलती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, बेटे को भी लेके जा रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि यही हमारा दुर्गा मंडप है जहाँ पे दुर्गा जी की पूजा होती है। तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। ये जो है, ये इधर साइड वाला जो देख रहे हो ना आप, ये कम्युनिटी हॉल है, तो मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे जो भी शादी वादी फंक्शन वंक्शन छोटे मोटे होते हैं तो यहीं पे होता है, और ये हमारे क्लब के तरफ से बना है ये दुर्गा मंडप। ये अभी देख रहे हो आप कि यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो हम अब अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये मेरा बेटा है, हम दोनों यहाँ आए हैं, मेरी चाची आई हैं, मेरी बहन आई हैं, तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाएगा अष्टमी वाले दिन, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी सही से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंडाल बन चुका है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू सही से। ये यहाँ पंडाल बन रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक बनाया गया, मैं आपको पहले दिखाती हूँ दुर्गा जी की प्रतिमा जो है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली बनता है जो प्रतिमा, वो है पूरे पीतल की मूर्ति है यहाँ पे माँ दुर्गा की। तो आप देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत सा माँ दुर्गा का मंदिर है, और ये जो पीतल की प्रतिमा है, तो अभी गेट पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा स्टार्ट होती है पंचमी से स्टार्ट होती है। तो आप देखो यहाँ पे माँ दुर्गा की कितनी भव्य प्रतिमा है पीतल की, ये उस दिन पंचमी से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कल से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तभी डेकोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी चाची आती है, ये सांस देती हैं, व्रत करती हैं चाची, तो यहाँ पे हम रेगुलर ही आते हैं, तो मैंने सोचा आज ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं। तो चाची अब यहाँ पे माँ दुर्गा को आरती दिखा रही हैं यहाँ पे, करो चाची करते रहो पूजा कहीं करो। तो अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, अंदर जो है सिर्फ अष्टमी वाले दिन ही गेट खुलता है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं और यहाँ पे अंजलि की प्रक्रिया चलती है, तो मैं आगे भी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं अब आपको ये मंदिर के सारे जो देवी देवता हैं उनके दर्शन करवाती हूँ। तो आप लोगों ने तो देख लिया कि यहाँ पर पहले मिट्टी की ही प्रतिमा बनती थी, बट तो यहाँ पे मैंने इसे बिठा दिया है, बट ये रोना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं इसे ले लेती हूँ।
आप देखो ये यहाँ पे शिव जी का यहाँ पे मंदिर है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है। तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, ये आपको कल से यहाँ पे डेकोरेशन नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बजरंग बली की प्रतिमा है। यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को पंडित जी आते हैं और यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी पूजा कर रही है। तो ये राम सीता जी हैं, तो लक्ष्मण जी हैं, देख सकते हो आप। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, थोड़ा सा सोचा बाबू रो रहा था तो इसे यहाँ पे बिठा दिए हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ है। खेलना स्टार्ट है इसकी, आप देख सकते हो इसकी मस्ती तो ऑलवेज स्टार्ट रहती है, तो ये अपना स्टार्ट हो जाता है कहीं भी खेलने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी ब्लॉग कैसी लग रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि पर डे आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा दुर्गा पूजा का शेयर करूँ। मैं कोलकाता में हूँ तो कोई भी पार्ट मिस ना जाए। तो आज मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर अभी लाइटिंग की पूरी जो प्रोसेस है वो नहीं हुई है, नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे पूछा है तो सबने कहा कि कल पंचमी है तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, सब लाइट वाइट जलेगी कल से। तो मैं आपको कल फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।